स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे फाइंड करें अभी हम सीखेंगे। स्क्वायर रूट को हम अंडर रूट सिंबल के द्वारा लिखते हैं। और यहाँ पर स्क्वायर रूट का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट सिंबल का मीनिंग क्या होता है, देखिए पहले ये समझिए। इसका मीनिंग होता है पावर हाफ। हमारा यहाँ पर मेथड रहेगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या करना रहता है, बिल्कुल सिंपल है। ये कितना है हमारा 12, देखिए दो अंकों की संख्या है। तो इसके साथ आप यह भी सीखें कि दो अंकों की संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। इस 12 को यहाँ हम बाहर ले लेते हैं, बाहर लिख देते हैं। एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका खुद के साथ गुणा करने पर जो आपका वैल्यू आ रहा है वो क्या होना चाहिए, 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 × 3 लिया कितना रहा है 9, जो 12 से बड़ा नहीं है। आगे देखते हैं 4 × 4 कितना आ गया 16, देखिए 12 से बड़ा है। जैसे 12 से बड़ा आएगा हाँ रुक जाना है, इससे पहले वाली संख्या को लेना है। इसको आप अपना फर्स्ट स्टेप नाम दे सकते हैं। तो दोस्तों यह एक ऐसा मेथड है इसके द्वारा आप किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर विजिट करें। तो यहाँ पर हमने क्या लिया 3 × 3 कितना होता है 9। ये सेकंड स्टेप है, जो हमने यहाँ संख्या को सेलेक्ट किया है उसको कुछ ऐसे व्यवस्थित करना है, उसके बाद इसको जोड़ना है, इसको घटाना है। अब क्या करें दोस्तों, बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ 2 0 लिख सकते हैं। जब आगे यहाँ सारे अंक, कोई अंक नहीं है, कोई ख़त्म हो गया है, ठीक है, जैसे दो अंकों की संख्या है तो आगे यहाँ पर अंक नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे आगे का प्रोसेस पॉइंट लगाकर करेंगे। अब इच्छा के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें 300 से बड़ा ना मिले। तो मैं जैसे 5 लेता हूँ, 5 का गुणा करता हूँ तो 300 से बड़ा आ रहा है, लेकिन 4 लेता हूँ, 4 का गुणा करता हूँ तो 416 एक रे आ गया, और 7 × 24 एक 25, किसको लिया हमने 4 को लिया। फिर क्या करना है, इसको घटाना है और इसको जोड़ना है, कितना आ गया 68 आ गया। इसको घटाने पे कितना आ रहा है हमारे पास 4, और 4 आ गया। चूँकि हमने पॉइंट लगा रखा तो इसके साथ हम फिर 0 लिख सकते हैं। अब इसके साथ ऐसी कौन सी संख्या लें उसका गुणा करें कि हमें इससे बड़ा ना मिले। तो यहाँ पर देखिए 42 और 7 को लेने से इससे बड़ा आ रहा है। जैसे मैं 6 लेता हूँ, 6 का गुणा करता हूँ तो इससे बड़ा नहीं आ रहा है, कितना 36 3 के लिए आ गया, 8 × 48 3, 51 5 के लिए आ गया, 36 5 कितना 41 आ रहा है, किसको लिया हमने 6 को लिया। तो यह जो हमारा वैल्यू निकला है कितना 3.46, ये आपका स्क्वायर रूट का वैल्यू है।